हाय डे। हमारी बिटिया ने बताया कि आपसे हमने मेंशन किया था हेल्दी मठरी इन माइंडफुल लिविंग, तो चलिए आज हेल्दी मठरी बनाया जाए। और ये वाकई हेल्दी है, नॉट जस्ट मैदा। तो ये देखिए, 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी सूजी यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, हमारे पास प्रोटीन भी है। ये देखिए, भिगाया हुआ मूंग दाल, ये प्रोटीन दे देगा हमें। और फिर है ये गुड फैट यानी घी, ये तो ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून। और इसमें फ्लेवर जो देना है वो मेनली आएगा हमारी गोलमिर्च से यानी काली मिर्च। तो ये रहा, 3 फॉर्म में रहेगा ये पेपर, थोड़े से खड़े, थोड़े से आधे कुटे हुए आधे आधे, और थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में। ये 3 डालना है, प्लस सम हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे मूंग दाल में भी थोड़ा सा पानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मैदा और ये आटा। और हाँ, आपको ये बता दूं कि इसमें हल्दी हमने क्यों डाला है। हल्दी आप जानते ही हैं हमें कितनी सारी बीमारियों से बचाता है, तो हल्दी अगर डालेंगे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और हल्दी का एसिमिलेशन अपने आप में थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप उसमें पेपर यानी काली मिर्च मिला दें तो 2000 टाइम्स इसके बेनिफिट्स, इसका एसिमिलेशन बढ़ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, ये ज़रूर हमें डालना है। ये हो गया और अब ये थोड़ी सी कुटी हुई, थोड़ा सा पाउडर और थोड़े से खड़े दाने लीजिए। अब आप नमक डाल लीजिए, और चूंकि आपको दाल भी डालना है तो उसके हिसाब से नमक डालिएगा। घी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि सूजी डाला है हमने, और सूजी इसे अपने आप बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। तो चलिए, अब वैसे आप किचन एड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे मलने के लिए, लेकिन हाथ से मलने का मज़ा कुछ और है। तो चलिए अब इसे मल लिया जाए। पहले अच्छे से मिला लीजिए खूब। ओ हाँ, दाल, मठरी का आटा जो गूंदेंगे एकदम सख्त होना चाहिए, बिल्कुल पानी कम, एंड लॉट्स ऑफ काली मिर्च। तो बस बड़ी बड़ी लोइयों में काट लीजिए और इस तरह बड़े बड़े बेल कर मनचाहा आकार दे दीजिए, जैसे कि फ्लावर शेप, राउंड, या फिर हमने क्या किया, आई हैव यूज दिस हार्ट शेप्ड। काटना तो बहुत ही आसान है, बस नाउ इट्स रेडी टू फ्राई। ये देखिए, हमने बहुत सारे बेल रखे हैं हार्ट शेप्ड। चलिए फ्राई करते हैं मठरी। ये बिल्कुल मीडियम आंच रहना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी निकलेंगे। बिल्कुल धीमा आंच रखा है हमने एंड में। ये लाल कुरकुरे तैयार हो गए, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। यस, और हाँ, आप अगर चाहें तो चेंज के लिए इंस्टेड ऑफ दाल यू कैन पुट पालक, और फिर आपकी मठरी ऐसी निकलेगी। मजेदार। ये नेक्स्ट बैच के लिए तैयार है। बस हमने सोचा है कि कुछ अगले वीडियोस डेजर्ट्स के बनाए, बट विथ अ हेल्दी ट्विस्ट। लेकिन हाँ, आप लोगों की कुछ फीडबैक, कुछ सजेशंस मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना।
So see you all soon.